दोस्तों आप भी कुछ इस तरह की अपने नेम की AI इमेजेस जनरेट करना चाहते हो तो दोस्तों आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस तरह की इमेजेस जो भी है वो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड करोगे तो भी दोस्तों आपके फॉलोवर अच्छे खासे इंक्रीज हो जाएंगे, और रील्स बनाओगे तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी रील्स भी चलेगी। तो दोस्तों इस तरह की आपको इमेजेस बनानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है प्रॉम्प्ट। दोस्तों प्रॉम्प्ट तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन दोस्तों इसको कॉपी करने का झमेला रहता है, क्योंकि दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से इस जो भी मैं प्रॉम्प्ट आपको दूंगा वो आप सीधा का सीधा कॉपी नहीं कर पाओगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर नहीं आता आपको तो आपको जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से आपको करना है। दोस्तों आपको प्रॉम्प्ट्स को डिस्क्रिप्शन से कैसे कॉपी करना है वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो इस वीडियो को थोड़ा भी आपको स्किप नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले आपके गूगल पे यहाँ सर्च कर देना है बिंग इमेज क्रिएटर। दोस्तों बिंग की एक आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी जिसको आपको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम मतलब के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह मांगना है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाना है वो। दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन कर लोगे तो। दोस्तों आपको अब क्या करना है, यहाँ जो भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है कि आपको किस तरह की इमेजेस बनानी है, जिस तरह से दोस्तों आप लिखोगे उस तरह से AI टूल जो भी है वो आपको इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से यहाँ प्रॉम्प्ट है वो लिख दिया है। दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये जो भी है वो इमेज क्रिएट करके हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी इमेजेस जो भी है वो क्रिएट होती है। दोस्तों यहाँ क्रिएटिंग में थोड़ा बहुत सेकंड का टाइम लगता है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी इमेजेस यहाँ जनरेट होके रेडी हो चुकी है, मतलब के बिल्कुल परफेक्ट एंड रियल जैसी दिखे इस तरह की जो भी है हमारी इमेजेस जनरेट हो चुकी है। अब दोस्तों इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको नीचे 3 डॉट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी इमेज को अच्छी तरह डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ जो भी नेम है वो सुजीत एंड प्रिया है, जिसकी जगह आप अच्छी तरह अपना कपल का जो भी अलग अलग नेम है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ अपना नेम लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ सुजीत एंड प्रिया था, उसकी जगह मैंने कर दिया है एनजे एंड रिया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप जो भी अपना नेम चेंज करोगे तो इसी तरह की जो भी है वो इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड है, जिसकी जगह आप अपने मन पसंद से जो भी यहाँ बैकग्राउंड लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ मैं फिलहाल लिख देता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड। दोस्तों यहाँ मैंने ब्लैक की जगह व्हाइट लिख दिया है। अब हम देखते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कि किस तरह की हमारी इमेजेस जो भी है वो जनरेट होती है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारी इमेजेस जो भी है वो कुछ अलग तरीके से जनरेट हो गई है। अगर आप व्हाइट की जगह और भी कलर लगाओगे तो भी बहुत रियल एंड अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस तरह की इमेजेस को डाउनलोड करना तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब आपको प्रॉम्प्ट कैसे कॉपी करना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे शेयर वाला जो भी ऑप्शन मिलेगा मेरी वीडियो का, उसको आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाके कॉपी लिंक करके इसको आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके पेस्ट करना है, और मेरी वीडियो को ओपन करोगे तो आप आसानी से डिस्क्रिप्शन से ये जो भी प्रॉम्प्ट है उसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर पाओगे। अब दूसरा नंबर का जो भी तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका टेलीग्राम होगा उसको ओपन करना है, उसके बाद आपको ऊपर सर्च बार में जाना है और सर्च करना है एनजे बड़ियार 23। दोस्तों ये जो भी मेरी चैनल का नेम है टेलीग्राम पे आपको मेरी चैनल मिल जाएगी, उसको ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अगर मेरी चैनल आप ज्वाइन करोगे सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों आपको रेगुलरली अलग अलग आइडियाज मिलते रहेंगे। आपको एक बार समझना है कि इस तरह की इमेजेस जो भी है आपको किस तरह से क्रिएट करनी है। दोस्तों आपको टेलीग्राम पे सब कुछ सारा का सारा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, इसको कॉपी करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट होगा उसको कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कॉपी वाला ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा जहाँ से आपको जो भी प्रॉम्प्ट है जिस तरह की भी इमेज बनानी है इस तरह की इमेज के लिए आपको ये जो भी ए वाला प्रॉम्प्ट है उसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करना है।